सभी साथियों को जय किसान। मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे किसान साथियों की डिमांड थी कि अरंडी हार्वेस्ट कैसे होती है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो आज हमारे खेत में अरंडी की हार्वेस्टिंग चल रही है, तो सोचा आपको एक वीडियो बनाकर दिखाया जाए। हालांकि किसान भाइयों, अरंडी को हार्वेस्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे पहले की प्रक्रिया थोड़ी जटिल रहती है, क्योंकि अरंडी के जो सिट्टे होते हैं इनसे इनके बेर है उनको अलग करना पड़ता है और उसके बाद सीधा मशीन में डालिए। और मशीन से अरंडी को हार्वेस्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ दो आदमी इससे आसानी से अपना जो हार्वेस्टिंग का काम है वो कर सकते हैं, जो कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। मेरे बड़े भाई साहब मुकेश कुमार, जो कि अरंडी के सफल किसान हैं, पिछले 10 सालों से लगभग अरंडी की खेती वो करते आ रहे हैं और एक अच्छी खासी इनकम भी इससे ले रहे हैं। और शायद यही कारण है कि वो नरमा, कपास, गवार इत्यादि लगाने से ज़्यादा अरंडी लगाना बेहतर मानते हैं। किसान भाइयों, इस हार्वेस्टर या थ्रेसर को चलाने के लिए कोई भी 50 एचपी तक का ट्रैक्टर पर्याप्त होता है। यदि इस पर लेबर पर्याप्त मात्रा में हो तो एक एकड़ की अरंडी की फसल मात्र आप 30 से 35 मिनट में हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। इस कार्य के लिए ट्रैक्टर के डीजल कंजप्शन की बात करें तो लगभग 2.5 से 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से ट्रैक्टर का डीजल खर्च आता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप ट्रैक्टर के पीटीओ को कितने आरपीएम यानी राउंड पर मिनट के हिसाब से चलाते हैं, ट्रैक्टर का डीजल खर्च उसी हिसाब से रहता है। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भाई साहब और इनकी जीवन संगिनी मात्र दो ही व्यक्ति इस थ्रेसर पर काम कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर को स्लो रेस में चलाया जा रहा है। अगर इसकी जगह यहाँ पे 4 व्यक्ति होते तो इसकी स्पीड को और बढ़ाया जा सकता था, उतनी ही तेज़ी से फिर ये अरंडी की फसल को हार्वेस्ट करता है। सफाई यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल मंडियों में अरंडी के भाव भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो ऐसे में यदि आप फसल मंडियों में लेकर के जाते हैं तो अच्छे भाव भी आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि अगले साल तक ये भाव कुछ डाउन आ जाएँ, क्योंकि अब की बार एक बड़े रकबे में यानी बड़े क्षेत्रफल में अरंडी की बिजाई की जा रही है। पिछले साल जहां हरियाणा पंजाब में कॉटन के अंदर जो पिंक बोलवरम यानी गुलाबी सुंडी आ गई थी, उस एरिया के अंदर अब की बार बीटी कॉटन यानी नरमे की बिजाई बात काफ़ी कम हुई है और वहां पर ऑप्शन के तौर पे अरंडी और गवार की बिजाई की जा रही है। और शायद यही कारण है कि अगले सीजन में अरंडी के बम्पर उत्पादन की उम्मीद की जा रही है। वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर, और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।